बदमाशों का भालगंज में कहर जारी। बदमाशों ने बनाया कोल्ड ड्रिंक के थोक व्यापारी को निशाना। व्यापारी को घायल कर 50,000 लूट कर बदमाश हुए फरार। दो मोटरसाइकिल पर कुल 5 बदमाश हथियारों से लैस होकर आए थे गोदाम पर। लूट के बाद गुस्साए लोगों ने किया रोड जाम। भालगंज में लगातार हो रही लूट से लोगों में दहशत का माहौल। घायल व्यापारी को देखने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई ट्रिपर चंद शर्मा पहुंचे अस्पताल। देर रात की घटना, 3 दिन में 3 घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं भालगंज। परवीन जी, जो घायल है क्या लगते हैं? चाचा जी। चाचा, हुआ क्या था, ये क्या मामला था, कितने बजे घटना है? 9:15 की है ये। 9:15 क्या हुआ था? ये पैसे की लूट मार के लिए आए थे। पैसे की लूट मार, ज्यादा रात भी नहीं हुई थी? 9:15 टाइम है वैसे, थोड़ी है ज्यादा। उस समय और भी दुकान खुली हुई होंगी? खुल रही थी, बराबर में खुल रही थी। बराबर में खुली हुई थी। अब पता नहीं जी भैया, लूटने के लिए आए, कैसे आए, मारने के लिए आए। बंदा होगा तो ये हो सकता है ना। तो क्या कुछ हथियार लेकर? हथियार, चाकू भी था उनपे, पिस्टन भी थी। इस तरीके से घटना एक के बाद एक हो रही है, हथियारबंद बदमाश आते हैं, लूट करके चले जाते हैं, क्या लगता है, क्या दहशत फैला रहे हैं? वो दहशत फैला रहे हैं तो अब तो भय लगती होगी आपको? सब तो डर लगता है। क्या कुछ करना चाहिए, कैसे कदम उठाने? तो सजा दी जानी चाहिए, प्रशासन उठाए जब कदम, जब बात बने ठोस कदम उठाने चाहिए। आपका? मेरा नाम विजेंद्र है जी। विजेंद्र जी, जो घायल है वो क्या लगते हैं आपको? मेरा भाई लगता है जी। क्या हुआ था, कितने बजे घटना? ये 9:15 हुआ है जी। क्या हुआ था? ये 5 आदमी आए बताए जी, गाड़ी हुआ में मोटरसाइकिल पे दोनों पे जी। अच्छा, और पीछे से फिर उनके संग जी मारा पीटी करी है जी, पैसे को लूट के ले गए हैं जी, और सिर में चोट आई है जी 2 या 3। अच्छा, किस से वार किया था उनके संग? उनके पास बंदूक भी थी जी, और जी चक्कू भी थे जी, और जो बोतल भी दारू की थी जी, बियर की जी। कितने बजे घटना है? ये 9:15 की जी। 9:15 घटना है, 5 लोग आए थे। हाँ जी। फिलहाल कंडीशन कैसी है जो घायल है? अब हॉस्पिटल में है वो। अभी मैं तो गया नहीं हूँ जी, वे सरोदे में है, सरकारी हॉस्पिटल ने उनको सरोदे भेज दिया आज। अच्छा, फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंचे, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस कह रही है जी, मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आपको हम मुलजिम पकड़ के देंगे। चौथी घटना है बल्लभगढ़ की? चौथी घटना है। क्या खौफ नहीं है पुलिस का? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी। डर लगता है, भय लगती है? हाँ जी, वो डरा रहे हैं सब। अच्छा, और भी कोई वारदात हो सकती है क्या? हो सकती है जी, क्या अब रोज हो रही है जी। 5 चाहते हैं आप लोग? है जी, हम तो यही चाहते हैं कि उनको पकड़ के दे और उनको सजा दी जाए और रोड पर दी जाए बिल्कुल सजा। घटनास्थल पर पुलिस कितनी देर में पहुंची? ये 5 मिनट में जी। 5 मिनट? हाँ, नहीं आ तो गई, गश्त पे थी जी, वो गश्त पे थी, वो पीछे लगती उनके, तो वो पकड़ भी सकते थे जी उनको। जिन बाइकों से आरोपी आए थे, क्या उनके कोई नंबर वगैरह? कुछ नहीं, हमने नहीं देखा जी। सीसीटीवी वगैरह नहीं? इसमें कोई पैसे की लूटपाट हुई है? हाँ जी, हाँ जी हुई है। पैसे ये मैं नहीं कहता था, उनको पता है जी। 30 से 35 हजार तक वो बताएंगे जी कितने। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन।